हेलो एवरीबॉडी, हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल माय फ्रेंड्स सो दैट दे कैन जॉइन एंड आई कैन स्टार्ट माय टू रेसिपीज। बहुत ही गर्मी हो रही है तो आई हैव बॉट वेरी नाइस रेसिपीज। आई होप आप सबको पसंद आएगी मेरी रेसिपीज। आई एम जस्ट वेटिंग कि और लोग जुड़ जाए, फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी रेसिपीज। हाय एवरीबॉडी, हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमूल के पेज में से लाइव जा रही हूँ, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। फिर मैं आपको दो रेसिपीज बताने वाली हूँ। आप सब जानते हैं अमूल की प्रोडक्ट्स, जिसके बिना हमारा दिन की शुरुआत ही नहीं होती। सो वी आर वेरी एडिक्टेड एंड वेरी फैमिलियर टू अमूल प्रोडक्ट्स। सो आज मैं वही चीज़ें यूज़ करके दो समर की ड्रिंक, एक समर ड्रिंक बनाने वाली हूँ और एक पार्फेक्ट बनाने वाली हूँ, कस्टर्ड पार्फे। यू नो दैट इज अ फ्रेंच डेजर्ट जो बहुत ही ठंडा होता है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही गर्मी हो रही है तो हमें ठंडा कुछ खाने को मन करता है। तो आई एम गोइंग टू शो यू टू नाइस रेसिपीज। एक है, यस, हाय एवरीबॉडी, यू कैन कमेंट हाय एंड देन आई कैन स्टार्ट। यस, तो मैं बना रही हूँ सनसेट मॉकटेल। सो जस्ट टाइप मी हाई एंड आई स्टार्ट माई रेसिपीज, और कस्टर्ड पार्फे बनाने वाली हूँ। तो आप सब जुड़ जाइए, फिर मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? हेलो एवरीबॉडी, हाय, गुड इवनिंग। सो आई हैव केप्ट माई थिंग्स रेडी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू ज्वाइन सो दैट आई कैन स्टार्ट माई रेसिपीज। माई नेम इज शेफ रिंकू लाखानी, आई एम फ्रॉम राजकोट, और मेरा इंस्टा पेज है लाखानी _ रिंकू। यू कैन फॉलो माई पेज फॉर मोर अपडेट्स। हाई एवरीबॉडी, सो शुड आई स्टार्ट माई रेसिपीज? जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड आई कैन राइट, आई मीन आई कैन स्टार्ट माई रेसिपीज। आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन यू कैन टाइप मी, आई जस्ट आंसर लेटर। हाई, गुड इवनिंग तरुण जी, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी हु हैज ज्वाइन मी लाइव इन दिस सेशन। थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस चांस। चलिए मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड पार्फे, ठीक है? हम एक कस्टर्ड बनाएंगे और उसमें थोड़ा फ्रूट्स ऐड करेंगे। सो हियर आई गो विथ माई रेसिपीज। चलिए मैं सबसे पहले अमूल का दूध लूंगी। सबसे पहले मैं अमूल का दूध ले रही हूँ। तो ये मैंने हाफ ग्लास दूध लिया है अमूल का। ओके, शुड आई गो मोर क्लोजर तो आप सबको दिखे? ये जस्ट मैंने दूध उबलने के लिए रखा है। आई एम जस्ट डूइंग द फ्लेम मीडियम, ऑन अ मीडियम फ्लेम, ठीक है? थोड़ा दूध मैं एक बाउल में लूंगी क्योंकि इसको इसमें मैं कस्टर्ड ऐड करने वाली हूँ। ये दूध है, ठंडा दूध है, ठीक है? इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड ऐड करूंगी। ये वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड है, अगर आपके पास वेनिला फ्लेवर नहीं है तो यू कैन ऐड एक्स्ट्रा, ठीक है? वेनिला एसेंस आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूध उबालने के लिए रखा है, और ये 1 टेबल स्पून एंड हाफ, सो टोटल 1.5। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यू कैन नॉट सी, जस्ट लेट मी नो, आई कैन चेंज द पोजिशन ऑफ माई कैमेरा। सी, ये कस्टर्ड है,
और ये मैंने दूध उबालने के लिए रखा है। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी अमूल का मिठाई में, आप चाहे तो शुगर भी डाल सकते हैं, जस्ट अबाउट 1 टेबल स्पून। आई होप इट इज विजिबल, यस, जस्ट अबाउट 1 टेबल स्पून। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया है अमूल का मिठाई में। सो दूध उबल रहा है, यू जस्ट हैव टू स्टर एंड आई एम नाउ पुटिंग इन दिस। ये मैंने जो कस्टर्ड दूध के साथ मिक्स किया है वो मैं ऐड करूंगी इसमें। शक्कर आप हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, गैस को स्लो ही रखूंगी मैं, आई होप इट इज विजिबल, यस। इसको थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, दिस थिंग हैज टू बी लिटिल थिक, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए क्योंकि हम कस्टर्ड बना रहे हैं लेकिन वो थिक वाला कस्टर्ड बना रहे हैं जिसके अंदर मैं मिक्स फ्रूट ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, इसे कंटिन्यूअसली स्टर करना है। हाय एवरीबॉडी, हेलो, गुड इवनिंग, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूंगी कैसी होनी चाहिए, लेट इट लिटिल गेट थिक एंड देन आई विल शो यू। तब तक आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कीजिएगा, लाखानी अंडरस्कोर रिंकू, आई एम शेफ फ्रॉम राजकोट, रिंकू लाखानी। I'll show you the consistency. Just एक second और चलाएंगे इसको। Okay, that's it. मैंने गैस बंद कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। I'm just taking a spoon and then we'll show you. See, this should be the consistency, right? ऐसी थिक होनी चाहिए, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा लेकिन हमको यही कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, मैं बना रही हूँ कस्टर्ड पार्फे, बेसिकली ये फ्रेंच डेजर्ट है जो बहुत ठंडा होता है, उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जैसे फ्रूट है, विप क्रीम है, फ्रेश फ्रूट्स बने चाहे तो लाइक फ्रेश फ्रूट्स आपको जो सीजनेबल हो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द कस्टर्ड, लेट इट गेट चिल्ड, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। I'm just taking a bowl and then we'll shift that. Hi everybody. Thank you all for joining. ये हमारा कस्टर्ड रेडी है लेकिन मैं इसे थोड़ा चिल्ड करने के लिए रखूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं तो ये ठंडा होता है, तब तक मैं फ्रूट स्टॉप कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है एक एप्पल, ओके, यहाँ पे मैं एक एप्पल लिया है और ग्रेप्स ली है। तो रफली हम छोटे छोटे एप्पल आप चाहे तो पील ऑफ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पील ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं इसे जस्ट स्मॉल कट करके यूज करूंगी। ठीक है, ये सब फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं बना रही हूँ अच्छा सा एकदम ठंडा सा डेजर्ट, आप जरूर से ट्राई करिएगा, जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं। आई एम जस्ट कटिंग डाउन वन एप्पल एंड मैंने यहाँ पे थोड़ी ग्रेप्स ली है, थोड़े अनारदाने हैं, पोमोग्रेनेट हैं, वो मैंने लिए हैं, यू कैन इवन टेक फ्रेश मैंगोस। वेल द मीन टाइम मैं आपको बताती हूँ मैंने ये जेली भी बनाई है। ठीक है, ये जेली मैंने
ऑलरेडी बना के रखी है, बिकॉज इसमें टाइम लगता है। इसमें जो दो पैकेट्स आते हैं वो हमको उबाल के, जैसे भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है वैसे ही करना है। मैं आज ये भी यूज करने वाली हूँ, तो ये मैंने ली है आज रास्पबेरी जेली। सी, इसको ठंडा होने देना पड़ता है। इसमें दो पैकेट आते हैं, तो वो आपको पानी में ऐड करना होता है, फिर आप इसे ठंडा होने के लिए नॉर्मल फ्रिज में रखना होता है इसे। तो मैंने जेली ये ऑलरेडी सेट करके रखी है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो आज मैं कस्टर्ड पार्फे में ये यूज करने वाली हूँ। सो आई हैव मेड जेली, यू कैन सी दिस। एंड आप इसे कैसे भी चॉप करके अपने ग्लास में, अपनी प्लेटिंग में ऐसे यूज कर सकते हैं। यू कैन सी द क्यूब्स। ठीक है, सो ये मेरी रास्पबेरी जेली है। हाय एवरीबॉडी, सो मैं यहाँ पे एप्पल चॉप कर रही हूँ। एप्पल मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है, अब रफली मैं छोटे छोटे ग्रेप्स भी छोटे ही काट लूंगी। आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं। और इस जेली में भी कई सारे फ्लेवर्स आते हैं, इसमें पाइनएप्पल आता है, ऑरेंज आता है, मैंगो आता है। यू कैन यूज एनी जेली। तो यहाँ पे मैंने ग्रेप्स थोड़ी चॉप कर ली है। क्योंकि ये डेजर्ट बहुत ही ठंडा, लाइक इस सीजन में तो हमें सब ठंडा ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर जाना हर टाइम पॉसिबल नहीं रहता कि आइसक्रीम खाने चले गए। सो लाइक यू कैन मेक दिस डेजर्ट सिंपल एट होम विद इन वेरी लेस टाइम। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स एप्पल और ग्रेप्स, और ये मैंने पोमोग्रेनेट रखे हैं। ठीक है, लेट मी सी द कंसिस्टेंसी। ये थोड़ा ठंडा हो गया है। ठीक है, अभी मैं इसमें ये फ्रूट्स ऐड करूंगी। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। यस, इज इट विजिबल प्रॉपरली? सो नाउ आई एम एडिंग सम पोमोग्रेनेट्स, थोड़े अनारदाने मैं ऐड करूंगी। ये जो हमने ग्रेप्स कट की थी वो भी मैं ऐड कर लेती हूँ। आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़े एप्पल्स ऐड करूंगी। आई थिंक आई ऐड ऑल दिस एप्पल्स। आप अपनी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, कस्टर्ड के हिसाब से थोड़े फ्रूट्स ऐड होने चाहिए। आई होप इट इज विजिबल। यस, सो ये मेरा कस्टर्ड बन के रेडी है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जेली भी रेडी है। अब आप इसे अलग तरीके से सर्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ग्लास में, शॉर्ट ग्लास डेजर्ट है तो उसमें भी सर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑलरेडी बैच रेडी रखा है सेट करके, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हाय तरुण जी, हाय एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, हु इज ज्वाइनिंग मी लाइव। जेली को जब ये गर्म होती है तभी इसको एक बर्तन में ले लेना होता है। एंड यू कैन गिव जो भी आपको शेप पसंद हो आप इसे शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जेली और कस्टर्ड दोनों रेडी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, बिकॉज विद इन लेस टाइम आई मेड दिस। एंड घर पे आपके जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट लेट मी क्लीन। तो ये मेरे ग्लास रेडी हैं, इसमें मैंने जेली सर्व की है।
थोड़ी थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो कि अच्छे से सेट हो जाए। आई होप एवरीबडी कैन सी दिस। यस सी, आप देख सकते हैं मैंने जस्ट ग्लास को एक बर्तन में रख दिया था सो दैट जेली गेट सेट लाइक दिस। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है, तो जो देखने में अच्छा होगा वो खाने में आई एम श्योर 100% बेटर होगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्लास जेली का सेट करके रेडी है। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, लेट मी गेट द बिगर स्पून। तो अब इसमें हम ये फ्रूट्स वाला जो जेली कस्टर्ड सॉरी कस्टर्ड वाला जो फ्रूट है वो हम ऐड करेंगे। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। यू कैन जस्ट कमेंट डाउन हाउ इट इज लुकिंग। दूसरे में भी ऐसे ही फिल कर लेंगे। कस्टर्ड को थोड़ा चेड़ और होने देना, मैंने टाइम नहीं था इसलिए जल्दी निकाला है, लेकिन ये जैसा है मैंने बोला है फ्रेंच डेजर्ट है, इसका यही इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ही ठंडा डेजर्ट है। आप चाहो तो इसमें व्हिप क्रीम ऐड कर सकते हो, ग्रेनोला ऐड कर सकते हो, कोई बिस्किट्स कोई केक्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आई होप यू कैन सी। यू कैन जस्ट कमेंट डाउन हाउ इट इज लुकिंग, प्लीज टाइप कीजिए कैसा लग रहा है आपको। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े अनारदाने डालूंगी। इसको ठंडा ही सर्व करना है। आप डू ट्राई माई रेसिपीज एंड जस्ट टैग मी लाखानी अंडरस्कोर रिंकू। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस रेसिपी। हाय एवरीबॉडी, जस्ट कमेंट डाउन हाउ इट इज लुकिंग। आई होप आपको ये मेरी कस्टर्ड पाफ रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलिए मैं इसको लास्ट में सर्व करके फाइनली सर्व करके बताऊंगी, तब तक मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, तब तक बना लेते हैं हम मॉकटेल। ठीक है, सनसेट मॉकटेल बना रहे हैं अब हम। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन। तो अब हम बनाएंगे सनसेट मॉकटेल। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे मेरे इंग्रेडिएंट्स सब। सनसेट है तो आपको कलर पता चल ही गया होगा कि उसमें ऑरेंज और रेड का कॉम्बो होने वाला है, तो भी वो तो ही वो सनसेट जैसा लगेगा। हाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो लेट्स मेक सनसेट मॉकटेल। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। आपको पार्फे में कुछ नहीं समझ में आया हो कस्टर्ड पार्फे में, तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ रेसिपी। जेली मैंने बनाई है क्योंकि वो मैंने अलग से बना के, ठंडी रखनी चाहिए चिल्ड, तो मैंने वो बना के रखी है। ठीक है, वो जेली का ये वाले, तो इसमें अलग से फ्लेवर्स भी आता है। मैंने यहाँ पे रसबरी लिया है, रसबरी फ्लेवर लिया है। ठीक है, तो मैंने बनाया कस्टर्ड पार्फे जो मैंने सेट करने के लिए ठंडा होने के लिए रखा है।
उसमें आप अपने हिसाब से फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। दूध को थोड़ा उबाल के उसमें शक्कर डालो, फिर या मिठाई मेट डालो, अमूल का दूध और अमूल का मिठाई मेट मैंने यूज किया है, उसको थोड़ा उबलने देना है। थोड़े ठंडे दूध में मैंने कस्टर्ड लिया है, उसको मैंने 1 चम्मच 1.5 चम्मच घोल के अगेन मिक्स किया गर्म दूध में, उसे उबालने के लिए रखा। और थिक पेस्ट बनानी है कस्टर्ड की, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए, और ये डेजर्ट एकदम चिल्ड होता है। फिर मैंने ऐड किया फ्रेश फ्रूट्स, आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है, मैंने लिया है एप्पल, पोमोग्रेनेट और ग्रेप्स। आप चाहे तो कोई भी कीवी, मैंगो है इस सीजन में, तो आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, जेली को आप शॉट ग्लास में सर्व कर सकते हैं, कोई पूरी प्लेट है, पूरा बाउल है, उसमें भी आप 1 बाउल सर्व करना चाहते हैं तो वैसे भी चलेगा। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास में सर्व किया है, आप चाहे तो एक पूरा बाउल लेके उसमें सर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये जेली ली थी, आप किसी के ऊपर, जैसे मैंने ये जेली सेट की थी, तो आप इसी के ऊपर कस्टर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो या आप गेस्ट आते हैं तो आप ये 1 बाउल सर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप माई रेसिपी इज क्लियर विथ यू ऑल, ठीक है। चलिए मैं बनाती हूँ अभी मॉकटेल। तो हम बनाते हैं मॉकटेल। सबसे पहले हम वाटरमेलन को लेट मी गेट स्विच, ठीक है। सबसे पहले हम वाटरमेलन को वाटरमेलन का जूस निकालेंगे, ठीक है। ये मैंने ऑरेंज जूस ऑलरेडी निकाल के रखा है, आप चाहे तो वो ट्रॉपिकाना कोई भी ऑरेंज जूस, ऑरेंज सिरप है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी पहले वाटरमेलन का जूस निकालूंगी। तो वाटरमेलन को मैं ऐड करती हूँ इस बाउल में, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन लिया है, आई होप इट इज विजिबल, यस नाउ इट इज विजिबल, हाय एवरीबॉडी। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी आइस के क्यूब्स, और इसे मैं जस्ट पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि बर्फ ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो इसे मैं अभी पीस लेती हूँ। इसे स्ट्रेन कर लेंगे, हाय एवरीबॉडी। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट टाइप मी, आई विल आंसर यू। बिकॉज मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ जो विद इन नो टाइम बन जाती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है, जरूर से ट्राई करिएगा। सो ये वाटरमेलन जूस रेडी है, इसे हम निकाल लेते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग माई ग्लास, तो हम डायरेक्ट उसी में सर्व करेंगे, जो हम सनसेट वाला मॉकटेल बना रहे हैं वो डायरेक्ट ही हम उसी में सर्व करेंगे। ये मैंने एक टॉल ग्लास लिया है यहाँ पे,
Hi everybody, thank you who has joined me for the live session of Amul. Thank you Deepa ma'am, thank you Nidhi ma'am. Thank you Amul for giving me this chance. Okay, let us start. See, आपको जिसी में सर्व करना है उसी में मैंने ये डायरेक्ट ही मैं इसमें सर्व करने वाली हूँ. तो आई एम जस्ट टेकिंग द ग्लास डायरेक्टली, राइट. तो सबसे पहले हम उसमें मीट लीव्स ऐड करेंगे, सम फ्रेश मीट लीव्स, जिसे तोड़ के मैं थोड़ा छोटा हाथ से काट लूंगी. सम फ्रेश मीट लीव्स, ओके. देन आई एम गोइंग टू ऐड सम पोमोग्रेनेट्स, जस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ इट. मैंने इसमें पोमोग्रेनेट ऐड किया है. ओके, अब मैं उसमें वाटरमेलन जूस ऐड करूंगी. बस इतना ही भरेंगे हम, ठीक है. Now I'm going to add. Hi, thank you Umesh ji. Thank you everybody who has joined me. अब हम इसमें बर्फ डालेंगे. I'm just taking the ice and नाउ विल पुट ऑन द आइस. मैंने आइस में पुदीने की फ्लेवर दी है. हम जस्ट रफली मैंने ऐसे ही रख दिया था. हम जस्ट कीपिंग सम आइस. ये भी चिल्ड होना चाहिए बहुत ही. लास्ट, and I'm squeezing a few drops of lemon. ठीक है, इसमें मैंने लेमन ऐड किया है. अब हम इसमें डालेंगे कोई भी सोडा या स्प्राइट, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे स्प्राइट ले रही हूँ. तो हम जस्ट यहाँ पे मैं वो थोड़ा सा ऐड करूंगी. लेट इट सिट जस्ट फॉर अ सेकेंड, क्योंकि हम इसे सनसेट बना रहे हैं. लेट इट सिट फॉर अ सेकेंड, क्योंकि मेरे को वो कलर चाहिए. एंड नाउ आई एम पुटिंग द ऑरेंज जूस. हेलो एवरीबॉडी, हाय. So I hope you will definitely try my recipes. Just a second. I'm just going to add. So I think it is visible properly, yes. So I hope आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी. ये मेरा सनसेट मॉकटेल दिख रहा है, सनसेट जैसा. या यू आर गेटिंग द शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड रेड, आई थिंक. यस, गार्निश करेंगे और सर्व करते हैं दोनों मेरी रेसिपीज को. डू फॉलो माई पेज, इट्स लाखानी अंडरस्कोर रिंकू. आई एम शेफ रिंकू लाखानी फ्रॉम राजकोट. Yes, I hope it is visible now. You're getting the beautiful shades of sunset. Do try this recipe. It's very nice. It's very healthy even. Hi everybody, thank you for joining everybody. So like those who have joined me,
यू कैन फॉलो माई पेज, आई जस्ट राइट डाउन माई इंस्टा पेज आफ्टर दिस, इट्स लाखानी अंडरस्कोर रिंकू. Now I'll show you my both the recipes and just showing you both my recipes, right? I'm just taking my perfect glass. And now I'll take the my mocktail, sunset mocktail glass. Just a second. डेजर्ट रेडी है और ये मेरा मॉकटेल. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रेसिपी कैसी लगी. इसमें हम गार्निशिंग के लिए जेली भी रख सकते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा कलर. पुटिंग इट टू द अदर वन टू. जरूर से ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी. ये मेरा कस्टर्ड पार्फेट रेडी है विद इन नो टाइम. दिस क्विक डेजर्ट इज रेडी. यू कैन सर्व इट टू योर गेस्ट. और जरूर से मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा एंड डू टैग मी व्हेन यू मेक इट. और ये मेरा सनसेट मॉकटेल. सो आई होप आपको ये मेरी दोनों रेसिपी अच्छी लगी होगी. डू फॉलो माई पेज फॉर मोर सच रेसिपीज. थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस चांस एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दोज हू हैव जॉइंड मी इन लाइव सेशन. डू ट्राई दिस रेसिपीज. तो मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ. बाय एवरीबॉडी. डू ट्राई एंड डू टैग मी. Bye. Thank you.